उपाय किए। जी आज का महा उपाय बेहद खास है, आप दर्शकों की मांग पर यह उपाय मैं आपको बता रहा हूं और ऐसे मेल समय लगातार प्राप्त हो रहे हैं कि आप तमाम तरीके के उपाय बताते हैं। कुछ रोगियों के लिए भी उपाय बताइए जिन्हें सबसे ज्यादा समस्या है रक्तचाप की, यानी ब्लड प्रेशर की, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, मतिभ्रम रहता है, आप परेशान रहते हैं, कुछ निर्णय नहीं ले पाते, बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम जिनको बहुत कम समय में परेशान करता रहता है जिससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है, किडनी हार्ट जैसी बीमारियों से यदि आप ग्रसित हैं तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूं। इस उपाय को आप सुनिए, समझिए और बहुत अच्छे तरीके से करिएगा तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये बहुत ही सरल, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। आपको करना यह है कि थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध लेना है, थोड़ी सी दही लेनी है, श्वेत चंदन श्वेत पुष्प को जल में डाल करके आपको स्नान करना है। ये प्रयोग आपको सप्ताह में 3 दिन करना चाहिए। चावल मिश्री चांदी और सफेद वस्त्र का दान यदि आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये दान आपको सोमवार और शुक्रवार के दिन करना है। रात को चांदी के बर्तन में जल रख करके यदि आप शयन करते हैं और सुबह जब आप प्रातःकाल उठते हैं तो उस जल को बासी मुंह पी लेने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। कितना भी पुराने से पुराना रोग होगा, वो चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ रही हो, हार्ट से संबंधित कोई समस्या हो, तो ये आयुर्वेदिक जो औषधि स्नान और ग्रहों का स्नान बताया उस स्नान से भी लाभ मिलता है और उसके साथ साथ ये उपाय किया जाना, दान किया जाना, वो भी आपको लाभ देता है। साथ ही हम आपको एक ऐसा मंत्र आज बता रहे हैं जिस मंत्र को आपको निरंतर जाप करना चाहिए। इस मंत्र के निरंतर जाप करने मात्र से कैंसर जैसे भयंकर रोगों को भी ठीक होते हुए देखा गया है। यदि आप स्वयं जाप नहीं कर सकते, आपको उच्चारण में किसी प्रकार की बाधा या समस्या आ रही है, तो आप किसी योग्य आचार्य से इस मंत्र का अनुष्ठान करा सकते हैं, जाप करा सकते हैं। ये मंत्र जो है दुर्गा सप्तशती से लिए हुए महाचमत्कारी मंत्र है। रोगा नशेषा नृपहंस तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान नभिष्टा त्वामा श्रितानाम नवी पन्निराणाम त्वामा श्वेताम पर्यंति। इस मंत्र का जाप कर लेने से हर प्रकार के रोगों का शमन होता है, खास तौर पे जो बहुत बड़े गंभीर रोग हैं उनकी भी शांति होती है। इस मंत्र का अर्थ यह है कि हे देवी, हम तुम्हारी प्रसन्नता से ही संपूर्ण व्याधियों का दमन होता है, तुम्हारे कुपित होने पर मनोवांछा का नाश हो जाता है। जो भी व्यक्ति आपके शरणागत हो जाते हैं उन लोगों पर विपत्ति की काली छाया कभी नहीं मंडराती, वह सदा ही आपकी छाया में सुरक्षित रहते हैं। तुम्हारा शरणागत व्यक्ति दूसरों का आश्रयदाता भी बन जाता है। मुझ पर भी और मेरे परिवार पर भी आप अपनी कृपा करें और हमें निरोगी बनाएं। इस प्रार्थना के साथ, इस विनती के साथ यदि आप इस मंत्र जाप करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये मंत्र आपकी सुविधा के लिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है, आप लिख भी सकते हैं और अपने आसपास किसी योग्य आचार्य के द्वारा भी आप उनसे जानकारी कर सकते हैं। ये बहुत ही माना हुआ प्रयोग है। इन मंत्रों का जो जाप मैंने बताए और जो आपको मैंने ग्रहों से संबंधित और औषधि स्नान बताए, यदि आप इनका प्रयोग करते हैं तो कितना भी गंभीर से गंभीर, बड़ी से बड़ी समस्या होगी, रोग होगा, वो तत्काल शांत हो जाएगा। चलिए आचार्य जी, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का, कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।